ऐसा है कि कलाकार तो सभी बन जाते हैं, जो भी नृत्य शैली या कुछ भी सीखते हैं वो कलाकार तो बन ही जाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक डांसर बनना और एक आर्टिस्ट बनना। तो आर्टिस्ट तब बनता है जब खुद की जो क्रिएशन होती है तब करने लगते हैं। और ये जो पूरा ये जो एक नदी बह रही है नृत्य की, भरतनाट्यम की जो नदी सदियों से बह रही है, उसमें अपना दो बूंद का कंट्रीब्यूशन देना एक ज़रूरी हो जाता है। और फिर तो तब हो पाएगा जब अपनी सोच से अपने ही अपना ही एक एक एडिशन उस एवोल्यूशन को एक इट्स अ वेरी हम्बल कंट्रीब्यूशन, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है तो एक हम्बल कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाती है एक कलाकार में और एक जो एक कलाकार जो एक शैली की ओर बढ़कर कंट्रीब्यूशन करता है। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी था रमा जी। मैंने कई कई कलाकारों ने मुझसे ये बात कही, ना सिर्फ मतलब डांसर्स ने कही, कई वोकलिस्ट ने कही, इंस्ट्रूमेंट्स वालों ने कही कि हर चीज़ के पीछे आप कोई राग बजा रहे हैं, आप कोई तान ले रहे हैं, आप कोई स्टेप कर रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? और मैं तो एक स्टेप आगे भी बढ़ूंगी, एक वजह तो होनी चाहिए और हर चीज़ जो हम करते हैं उसमें कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे मुझे खुद का कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं ये जो कर रही हूँ, ये मैं सोचती हूँ ऐसा करना चाहिए और ये ऐसा ही करना चाहिए। तो वो खुद जब कन्विक्शन हो जाती है तो खुद खुद रीज़न भी बन जाता है। ये बिल्कुल बात सही है और मुझे लगता है हर कलाकार को स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन के साथ काम करना चाहिए।